साल 2022 के बाद से दूसरी बार एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, क्योंकि ये वायरस अफ्रीकी महाद्वीप पर तेजी से फैल रहा है। अब बाकी महाद्वीपों में फैलने का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 14 अगस्त को इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करते हुए WHO ने कहा है कि इस साल अफ्रीका में 14,000 से अधिक मामले और 524 मौतें हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल के आंकड़े से ज्यादा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में और ये कैसे फैलता है और कितना खतरनाक है। दरअसल एमपॉक्स का मामला अभी अफ्रीकी महाद्वीप वाले देशों में फैल रहा था, लेकिन पिछले दिनों स्वीडन के व्यक्ति में ये वायरस पाया गया है। स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने एक बयान में कहा कि स्टॉकहोम में इलाज कराने आए एक व्यक्ति में क्लेड 1 वेरिएंट पाया गया है। ये पहला ऐसा मामला है जो अफ्रीका के बाहर क्लेड 1 पाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ये व्यक्ति अफ्रीकी महाद्वीप में था, वहीं से ये वायरस उसके संपर्क में आया है। इस बीमारी के होने के कारण मंकी पॉक्स वायरस है। ये चेचक जैसे वायरस के ग्रुप से है, लेकिन इसके मुकाबले काफी कम हानिकारक है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। क्या है मंकी पॉक्स? एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से इंसान और जानवरों में फैल रहा है। पहले यह वायरस केवल जानवरों से जानवरों के बीच फैल रहा था, लेकिन अब ये वायरस इंसानों से इंसानों के बीच फैल रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के रूप में वर्गीकृत वायरस के समूह से संबंधित है। ये आमतौर पर चेचक जैसी बीमारी का कारण बनता है, जिसमें त्वचा और उभरे हुए धक्कों या छालों के साथ दाने शामिल होते हैं। धक्कों में अक्सर तरल पदार्थ या मवाद भरा होता है और अंततः वे ऊपर की ओर पपड़ीदार होकर ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स अब लगभग खत्म हो चुके चेचक और काउपॉक्स और वैक्सीनिया के जैसे नए पॉक्स वायरस के समान है। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की तरह एक वायरल बीमारी है। इसका नाम भले मंकी पॉक्स है, लेकिन इसका मंकी से कोई लेना देना नहीं है। यह स्मॉल पॉक्स परिवार से संबंध रखता है और यह DNA वायरस है, जिसका साइज आमतौर पर बाकी वायरस से बड़ा होता है। यह हवा में एयर टू एयर नहीं फैलता है। यह मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित इंसान के रस या फोड़े के पानी के संपर्क से और सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। एमपॉक्स दो तरह का वायरस है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 ज़्यादा खतरनाक है, जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है। ये वायरस मौत का कारण भी बनता है। इसमें बीमार होने वाले मरीजों में 10% तक जान जाने का खतरा बताया गया है। हालांकि हाल के प्रकोपों में मृत्यु दर कम रही है। क्लेड 1 मध्य अफ्रीका में लोकल लेवल पर फैल रहा है, लेकिन पहली बार ये स्वीडन के किसी शख्स को हुआ है जो अफ्रीका देश से बाहर है। क्लेड 2 मंकीपॉक्स संक्रमण का 2022 में वैश्विक प्रकोप से शुरू हुआ था। क्लेड 2 एमपॉक्स से होने वाले संक्रमण कम गंभीर होते हैं। इसमें 99.9% से ज्यादा लोग बच जाते हैं। क्लेड 2 पश्चिमी अफ्रीका में लोकल लेवल पर है। मंकीपॉक्स के क्या क्या लक्षण हैं? संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद 3 से 15 से 17 दिन में लक्षण दिखते हैं। इसका शुरुआती लक्षण फीवर है। इसके 1 से 4 दिन बाद स्किन पर दाने बनने लगते हैं। दाने अक्सर पहले चेहरे पर आते हैं, इसके बाद हाथ, पैर एवं अन्य जगह फैलते हैं। लक्षण आने से लेकर दाने बनने और पपड़ी ठीक होने तक संक्रमित व्यक्ति से यह वायरस फैल सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक बने रहते हैं। हर पीड़ित मरीज में सभी लक्षण डेवलप नहीं होते हैं। कई लोगों में केवल स्किन पर दाने आते हैं, बाकी कोई लक्षण नहीं होता है। कुछ लोगों के पूरे शरीर में दाने बन जाते हैं और साइज भी बड़ा होता है। मंकी पॉक्स के रैशेज कई स्टेज में होते हैं। शुरू में दाने होते हैं, फिर ये फफोले में बदल जाते हैं। इसके बाद इसमें पानी आ जाता है। पानी सूखने के बाद यह पपड़ी की तरह होता है। पूरी तरह से ठीक होने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। मंकी पॉक्स से किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? मंकी पॉक्स से ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, प्रेग्नेंट महिलाओं को खतरा है। इन्हें संक्रमण होने के बाद बीमारी सीवियर हो सकती है, इसीलिए संक्रमित मरीज की पहचान के बाद उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखना चाहिए। कई लोगों में इसका संक्रमण निमोनिया और मेनिनजाइटिस कर देता है और बाद में ये सेप्टिसीमिया बन जाता है, जिसमें मौत का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए इन लोगों को समय रहते बचाव करना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तक इसके मामले भारत में नहीं देखने को मिला है। खास बात यह है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन आ गई है। इसकी एफिकेसी 90% तक है। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना होगा। इसके खिलाफ एंटीवायरल ड्रग भी है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थी मंकी पॉक्स से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।